कांग्रेस पार्टी खास करके कैप्टन अमरिंदर सिंह श्रोमणी अकाली दल की जिहड़ी हवा चल रही है पंजाब खास करके जिहड़ी अबोर की रैली की उहदे बाद डर गए। फरीदकोट रैली नूं लैके कांग्रेस अते अकाली दल च टक्कर। सुखबीर बादल ने किया फरीदकोट रैली वाली जगह का दौरा। रैली करन दे फैसले नूं हाईकोर्ट च कैप्टन सरकार ने दित्ती चुनौती। जी हां, फरीदकोट विच अकाली दल दे वल्लों 16 सितंबर नूं पोल खोल रैली सियासी घमासान तो बाद अपने मुकाम ते पहुंचण दी तैयारी विच है, जबकि दूजे पासे पंजाब सरकार वल्लों इस ते पाबंदी लगाउण दे लई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट दे विच चुनौती दित्ती गई है। इस विच अकाली दल दे प्रधान सुखबीर बादल फरीदकोट विच रैली वाली जगह दा दौरा करन पहुंचे, जिथे उन्हां हालातां दा जायजा लिया अते कैप्टन सरकार ते खूब निशाने साधे। कांग्रेस पार्टी खास करके कैप्टन अमरिंदर सिंह श्रोमणी अकाली दल दी जिहड़ी हवा चल रही है पंजाब खास करके जिहड़ी अबोर दी रैली कीती उहदे बाद डर गए। इन्होंने सोचा सी कि जिहड़ा झूठा रणजीत सिंह कमीशन बनाया उहदी रिपोर्ट राही श्रोमणी अकाली दल दे वर्करां नूं दबाउणगे। जाखड़ वर्गे इन्हां दे प्रधान ने आ भी किया सी कि पिंडां 'च वंड नहीं देना पंजाब की जनता ने, पर सारी पंजाब की जनता असलीत जानती सी ते सही मायने दे दा पोल खुल गया। सब तो पहले जाखड़ दे अपने पिंड भरवां स्वागत अकाली दल दा होया, उहदे बाद ओही उहदे अपने जिहड़ा असैंबली हलका सब तो वड्डा पंजाब दा कट उत्थे होया। हुण जदों असीं कहा फरीदकोट करांगे इहनां दे होश ही उड गए। आ जिहड़े कांग्रेसी जथेदार बनाए इहनां ने बैठे बरगाड़ी, उहनां दी क्योंकि इकट्ठे रल के गेम खेड रहे हैं, उन्होंने कहा कि जे इत्थे कट हो इत्थे तां बहुत वड्डा कट हो जाणा, इंटैलीजेंस रिपोर्टां मिल गईआं ते उन्होंने इन्हां नूं मजबूर किया कि साडा तां जमां ही मिट्टी मिलेस हो जूगी। तो फिर इन्हां ने जान कैप्टन ने इन्हां नाल मिल के आ साजिश रची, तो मैं धन्नवादी हाँ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जिन्हां ने आ सारी चाल जिहड़ी है उन्हूं रद्द किया ते क्लीयर वर्डिक्ट दित्ता कि आ एक डेमोक्रेटिक राइट है जनता का। कांग्रेस राजा सोचता कि मैं धक्के नाल पुलिस नाल मैं किवें ना किवें करके मैं इत्थे माहौल खराब दा बहाना लाया। सही मायने ते कांग्रेस अग नाल खेल रही है, वो ताकतां नाल खेल रही है, जिहड़े उत्थे नकली कांग्रेस के एजेंट बिठाए है उन्हां राहीं वायलेंस करवाउणा चाहुंदी है। मैं हुण भी चेतावनी देना चाहुंदा श्रोमणी अकाली दल का वर्कर पीसफुल रहूगा, श्रोमणी अकाली दल का इतिहास है पीस का, असी पीसफुल मैथड ना संघर्ष किया। हुण सरकार जिम्मेवारी होगी जे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब की उन्होंने करनी है, जिहड़े इन्हां दे अपने एजेंट है वह नकली जे जिहड़े बिठाए उत्थे बरगाड़ी अपने एजेंटां राहीं वह करवाउणगे। तो मैं कहना जिम्मेवारी कैप्टन अमरिंदर सिंह की होनी है, कोई भी चीज़ इतने नुकसान होया कोई घटना हुई क्लीयर कट कैप्टन अमरिंदर सिंह की होनी है। तो मैं सारी जनता को अपील करदा आओ इतने पहुँचो, श्रोमणी अकाली दल बीजेपी का कट है तो आ एक सही मायने ते इन्हां दा पोल खोल के जे डेमोक्रेसी का कान किया उहदे खिलाफ आ हुण रैली बन गई। इस दौरान सुखबीर बादल ने जिथे लोगों नूं रैली विच आउण दी अपील की उत्थे साफ किया कि जेकर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो सीधे तौर पर कैप्टन सरकार जिम्मेवार होगी। हालांकि सुखबीर बादल ये कह रहे हैं कि जेकर कैप्टन सरकार ने रैली के फैसले नूं हाईकोर्ट विच चुनौती दी है तो उन्हां दा कानूनी अधिकार है, पर जेकर फैसला अकाली दल के खिलाफ आता है तो यह अकाली दल के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, जो कि अकाली दल लई वड्डा झटका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, T5 चैनल पंजाबी।